नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक आवश्यक सूचना है। सूचना यह है कि हम 11th क्लास का इंग्लिश सब्जेक्ट का एक न्यू बैच शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का, जो कि आपको इंग्लिश का सिलेबस आपको पहले वीडियो मिल भी चुका है और देख भी लिए होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जितने भी हम उस सिलेबस में बताए हैं सारे चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। तो देखिए, पहले इंटरमीडिएट के बारे में जान लीजिए। तो इंटरमीडिएट अर्थात यह 10th के बाद होता है। यह जो इंटरमीडिएट क्लास होता है यह 2 साल के होते हैं। पहला सेशन होता है 11th और दूसरा सेशन होता है 12th। देखिए, 11th जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होता है। आप जब तक 11th क्लास अच्छी तरह से नहीं पढ़िएगा तो 12th क्लास में जो भी विषय पढ़िएगा समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोग 11th क्लास ज़रूर अच्छी तरह से पढ़िए। देखिए, इसमें इंटर में आने के बाद ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ पढ़ना पड़ेगा। आप 12th में आने के बाद आपका जो सब्जेक्ट है यह 3 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो कई बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कि आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स लें। तो देखिए साथियों, इसमें आपके टैलेंट पर निर्भर करता है, आपका कैसा तैयारी है इस पर निर्भर करता है। आपका 10th में अगर साइंस मजबूत था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे आपका एकदम बिल्कुल सही से आप बढ़िया से सब कुछ कर लेते थे तो आप साइंस ले सकते हैं। यानी कि आपके टैलेंट पर निर्भर करता है, आपसे क्या हो पाता है, कौन सा सब्जेक्ट आप बिल्कुल सही तरह से पढ़ सकते हैं। सबसे इससे भी ज़रूरी है आपकी आर्थिक स्थिति। अगर आपके घर में पैसा उस देता है साइंस पढ़ने के लिए, बाहर रहकर पढ़ने के लिए, तो आप निश्चित रूप से आप साइंस लीजिए। और आर्ट्स जो है, आर्ट्स भी कोई ख़राब सब्जेक्ट नहीं है, आर्ट्स भी ले सकते हैं। देखिए, कॉमर्स बिजनेस मैथमेटिक्स इसके बारे में पढ़ा जाता है, तो आर्ट्स भी कॉमर्स भी ले सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। यानी कि अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही फेमस इस सब्जेक्ट है, ठीक, आप कोई भी ले सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हम इंग्लिश का क्लास शुरू कर रहे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है, मैट्रिक का रिजल्ट नहीं निकलता है, तो 11th क्लास का हम इंग्लिश सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए यह कॉमन है। आपको कोई भी साइंस लीजिए या फिर कॉमर्स लीजिए या फिर आर्ट्स लीजिए, आपके लिए इंग्लिश जो है कंपलसरी है और तीनों में इंग्लिश आपको पढ़ना ही है। इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं निकलता है आपके लिए हम इंग्लिश क्लास शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा देते हैं तो हम आपको लाइव क्लास भी देंगे, ठीक। वीडियो अपलोडिंग का समय रहेगा शाम को 5 बजे। आपको सभी देखिए चैप्टर वाइज होगा, ठीक, आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, टाइप्स ऑफ ग्रामर से, ग्रामर क्या है आपको वहाँ से शुरू करेंगे, अंग्रेजी क्या है वहाँ से शुरू करेंगे, नरेशन, वॉइस डिग्री सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा। तो आप ज़रूर पढ़िएगा और वीडियो डेली अपलोड होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।